कैसे हो सारे दोस्तों भाई, राम राम सभी लोगों को। मैं अभी व्लॉग शूट नहीं करने वाला था, मैं घर जाके ऑन करने वाला था, बट भाई आपको पता ही है। रुको कुछ दिखाता हूँ यार ये गैराज है या क्या है बेटर देखो ये चीज है तो फिर देखो भाई लिंकन, क्या क्या गाड़ियां है, चार गाड़ियां है, चारों की चारों सेम, और कई सारे ट्रक्स है, फिर कैंपर वैन है। देखकर तो मजा ही आ गया भाई। अभी मेरी बस कहां से है, यहां पे मैं उतरा, ओ यहां से कब है वो देखना पड़ेगा। छाव में बैठते हैं, 10-10, 15-15 मिनट में बस रहती है, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं है। ओ हो, आ जाओ भाई सात्विक भोजन खाने। आज तो भाई हम ये भी लेके आए अचार बाचार, देखो आज है कढ़ी और इसको क्या बोलते हैं, खिचड़ी। वाह बढ़िया बनी है भाई, किसने बनाई, तूने और किसने? वाह वाह, देखो निरूपा देखो, और भाई मंजी दूसरी बार लेकर आएंगे, तब एक डिब्बा पड़ा था तो इसने वो क्या वैन किया, इसलिए हमने खोल दिया रस का डिब्बा। और भाई फेवरेट मेरे केरेडा आ गए भाई बढ़िया से, और मूवी चालू है, मूवी के बाद मिलते हैं। तो भाई आज तो शेड्यूल जैसे देखा भाई, खिचड़ी बढ़िया से बनाई, क्योंकि देखो सबसे पहले सुबह मैं 5:30 बजे उठा, 5:25 को उठा, फिर नहा धो के फ्रेश हुआ, फिर मैंने जल्दी से भाकरी बनाई टिफिन में ले जाने के लिए, फिर मैं चला गया शिफ्ट पे। 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मेरी शिफ्ट थी, और वहाँ से देखा आपने मैंने कि जो वो गाड़ियाँ देखी बढ़िया से, और फिर वहाँ से मैं आया जल्दी से घर। घर में पहुँचा कुछ मुझे पक्का टाइम मालूम है 4:15 या 17 को मैं पहुँचा, ठीक है। और फिर 4:45 बजे मेरी बस थी, क्योंकि 5 बजे मेरा लेक्चर था, और वैसे ही लेक्चर में मैं 15-20 मिनट लेट पहुँचा। वैसे वो तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, क्योंकि आज एक टेस्ट थी, वो भी टेस्ट भी वो कैसे थी कि आधे लेक्चर के बाद ही थी, मतलब समझो कि मेरा आज का लेक्चर था 5:00 से लेकर 9:00 तक, तो टेस्ट मेरी थी 7:00। और अभी भाई बढ़िया से खाना वाना बनाया था और खा लिया है, तो कई दिनों से घर पे बात नहीं हुई है, 2-3 दिनों, 2-4-5 दिनों से जब बात हुई थी, 7 तारीख को हुई थी, 5 दिन गुजर गए हैं। तो चलो घर पे एक कॉल लगा लेते हैं, क्योंकि हर बार वो मम्मी करते हैं, तो चलो आज इस बार मैं कर लेता हूँ फ़ोन कि क्या हालचाल है, क्या चल रहा है। फ़ोन नहीं आया इसलिए पता करेंगे, कुछ वैसे कोई होगा नहीं दिक्कत, बढ़िया से। अभी सारे लोग बाहर ही बैठे हैं, क्योंकि कल वैसे ही फ्राइडे है, तो कुछ लोगों की शिफ्ट है, कुछ लोगों की नहीं है, मेरी नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा लंबा जगूंगा, और फिर क्या कि कल आराम से उठेंगे सुबह, ऐसा है भाई अपना शेड्यूल। बाकी शिफ्ट तो आ गई, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या किया जाए, ठीक है ना।